तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से बड़ी खबर, एसपी प्रत्याशी की जनसभा में हंगामा। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोसी में दारा सिंह चौहान की जनसभा थी और जनसभा में कार्यकर्ताओं ने फेंकी कुर्सियां। शनिवार का यह बताया जा रहा है वायरल वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जनसभा में हंगामा हुआ है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गोसी में दारा सिंह चौहान की जनसभा थी और जनसभा में कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां फेंकी हैं। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुर्सियों को फेंका गया है और जमकर हंगामा इस दौरान इस जनसभा में हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट पर, ये तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और शनिवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मऊ से आपको बता दें, एसपी प्रत्याशी की जनसभा में हंगामा हुआ है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घोसी में दारा सिंह चौहान की जनसभा थी और जनसभा में कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां फेंकी। शनिवार का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो जनसभा में कार्यकर्ताओं ने और जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने कुर्सियां फेंकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक जगह कुर्सियों का ढेर लगा हुआ है और ये कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़ी गई कुर्सियां। मतगणना से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना के साथ एक नई पारी खेलने के लिए मैं खुद को संकल्पित रखूंगा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त विषम परिस्थितियों और साधनहीनता में चुनाव अभियान किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से बड़ी खबर, खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। बेतवा में खुलेआम हो रहा है खनन। इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी के बाद भी लगातार जारी है खनन। तो नदी पर पुल बनाकर हो रहा है अवैध खनन। बालू माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से बड़ी खबर, खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। बेतवा नदी में लगातार खुलेआम खनन किया जा रहा है और छापेमारी के बाद भी लगातार खनन जारी है। तो जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के बंधौली इलाके में खनन माफियाओं ने जालौन हमीरपुर सीमा पर शॉर्टकट रास्ते को चुनकर नदी की जलधारा को ही रोक दिया और अवैध पुल बना दिया गया है, जिससे करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, जालौन की सीमा से लगे हमीरपुर के बधौली खंड संख्या 1 के संचालकों के द्वारा बेतवा नदी में अवैध पुल बनाया गया है, जिस पर बालू माफिया वैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई के ताबड़तोड़ छापों के बावजूद दबंग बालू माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। संख्या 1 बंधौली, खंड संख्या 9 बंधौली, ये सब लोकल में फर्जी खोद रहे हैं और जितनी किसानों की बारियां सब उखाड़ के फेंक दी, दादागिरी हो रही। शिकायत करते हैं, उनके पुलिस हाथ में क्या। तो जो सूचना शिकायत मिली थी उसी की थी जिस पे कार्रवाई किया गया है, और जब भी शिकायत मिलती है तो जांच की जाती है, जो भी अवैध मिलता है उस पे कार्रवाई की जाती है लगातार। आप जानते हैं कि पहले भी जो है कई वाहनों पे जो है लगभग 3000 वाहन पे हम लोग नोटिस काट चुके हैं, जिनमें अन्य जनपदों से आने वाले ही वाहन हैं। तो कार्रवाई चल रही है, अगर शिकायत आती है कार्रवाई की जाएगी। तो अफरोज हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अफरोज, आपके पास आएंगे, नदी पर अवैध पुल बना दिया गया, क्या कुछ इसके बाद शासन ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है? देखिए, जालौन जो है वो बालू खनन के मामले में जो है उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और बंधौली की खंड संख्या 1 के माफिया जो हैं वो खंड संख्या 2 व 9 में भी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुल जो है प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बंदूकों के साए में जो है वो अवैध खनन किया जा रहा है और खनन संचालकों को, अवैध खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं है और कोई भी शिकायतों का असर उनके ऊपर नहीं होता है। कार्रवाइयों के बाद भी दोबारा खनन शुरू कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।